तो हमने क्वेश्चन दिया था आपको रैप फॉर्मूला से कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है जिसको मैंने इंसर्ट के टाइमलाइन से बनाया है, सॉरी स्लाइसर से बनाया है, जो स्लाइसर दिख रहा सॉरी मैं मतलब स्पार्क लाइन से बना हुआ है ना, इसको फॉर्मूला के थ्रू कैसे बनाया ताकि उसको कॉल कर सके, क्योंकि स्पार्क लाइन को भी हम कॉल नहीं कर सकते इक्वल टू रैप वो फॉर्मूला लगेगा तेरे इक्वल टू नहीं रैप वहां वाला पे लगेगा फॉर्मूला रैप का सबसे पहले लगेगा फॉर्मूला रैप का। रैप फॉर्मूले में हम देंगे कि भाई इसको रिपीट करो कितना बार, 9 टाइम, 9 बार जो भी है तो। अब एन परसेंट देंगे और यहाँ पे लगाएंगे कैर 10। क्या रैप टेक्स का है ना, फिर यहाँ पे वापस सेम अब इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, अब आगे कुछ करना ही नहीं है, बस इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू फॉलो ये करते कैर क्या रहे। करेक्ट है फिर क्या ये? ये आपको याद होगा जब मैंने आपको ट्रीम क्लीन बबल फॉर्मूला पढ़ाया था हाँ, तो हाँ तो स्ट्रिंग वाला ही है। तो उसमें क्या है बताता हूँ क्या होगा। ये कहते हैं सी के जगह पे हम डी कर देते हैं और फिर वापस डी के जगह पे ई कर देते हैं, तो चारों जुड़ गया हमारा। अब ऐसा करने से क्या होगा, इस तरह कंटिन्यूस लाइन बन के आई। इस पे हम कल की तरह क्या करेंगे, ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट रखेंगे, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरह का बनाया। अच्छा थोड़ा सा जूम करते हैं, अच्छा जूम करने के बाद देख रहे एक हल्की सी लाइनिंग दिख रही है आपको, यही है कैट टेल। कैट टेल ने क्या किया कि बॉर्डर बना दिया, समझे, इसने 4-2-4 का बॉर्डर इसने देखे बना दिया। अब मैं इसको जैसे रैप करूंगा ना, क्योंकि कैट टेल तो रैप ही है, तो वो वही लाइन जहां जहां है वही लाइन से टूटेगा और फिर इसको अलाइनमेंट में यहाँ पे क्या बोलते हैं अलाइनमेंट के अंदर जो ओरिएंटेशन होता है उसमें हम रैप कर दें 90 डिग्री। हो गया सर। सेम फीचर्स को नीचे तक कॉपी करते हैं। हंड्रेड परसेंट पे आइए आपका सही दिखेगा। इसकी कलर चेंज करनी है, इसकी कलर को मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रीन करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, राइट सर, सही है सर। इसी से करना है। लुकअप वगैरह से कॉल कर सकते हैं, तो ये वो चीज यहाँ पे आ गई। करेक्टर के अंदर ये 10 की वैल्यू कैसे ली आपने? देखिए जब हम यहाँ पे सुजीत कुमार लिखते हैं और रैप टेक्स्ट एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे आता है ना सर, तो ये जो रैप टेक्स्ट है अभी तो हम फॉर्मूले में लिख नहीं सकते ना, लेकिन किसी सेल के ऊपर रैप टेक्स्ट करने के बाद अगर मैं इस पे कोड का फॉर्मूला लगाता हूँ तो इसका कोड पता चल जाता है कि 10 है। मतलब मुझे कहीं अगर ये ऑल्ट एंटर का जो करेक्टर है वो डालना हो तो कैर 10 डालेंगे तो आ जाएगा। ओके सर, ओके। समझ गए।